आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक खास रिश्ता है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड फिल्म की जड़ें जबलपुर से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री को जबलपुर के समी खान ने बनाया है, जो इंडियन अमेरिकन है। समी खान ने इस डॉक्यूमेंट्री को स्मृति मुंधना के साथ मिलकर बनाया है, जिसका नाम है सेंट लुइस सुपरमैन। यह डॉक्यूमेंट्री 30 मिनट की है, जिसमें रंगभेद के खिलाफ ब्रूस पैक जूनियर के संघर्ष को दिखाया गया है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले समी खान जबलपुर के हैं, जो कई साल पहले अपने पिता डॉक्टर एम ए रऊफ के साथ कनाडा में जाकर बस गए। समी खान की इस उपलब्धि से जबलपुर में रह रहा उनका परिवार और चाहने वालों में इन दिनों जश्न का माहौल है। समी खान के कजन माजिद खान को अब सभी के आने का, जबलपुर आने का इंतजार है। इनके फादर जबलपुर अंजुमन स्कूल और मेडिकल कॉलेज जबलपुर के पास आउट हैं सेकंड बैच के। इन्होंने इसके पहले खोया फिल्म जबलपुर में बनाई थी, जिसमें जबलपुर के भी कुछ कलाकार थे। उसकी अधिकांश शूटिंग जबलपुर में हुई थी। इसके बाद उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है सेंट लुइस सुपरमैन, जो ऑस्कर के लिए नामिनेट हुई है। आप उनको कौन लगते हैं? मैं उनका कजिन ब्रदर हूँ। आपका नाम? माजिद खान। और ये वैसे अभी कहाँ हैं? ये अभी टोरंटो में रह रहे हैं और हो सकता है मार्च में इंडिया आएंगे अपने फादर के साथ।